हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दो डेसिमल नंबर्स को डिवाइड कैसे करें एसक्यूएल सर्वर पर, आज इसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लेना है आपको। तो सिंपली चलते हैं, यहां से माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को ओपन करते हैं। तो एसक्यूएल टाइप करता हूं, यहां पर ये डाउनलोड किया है मैंने और इसे ओपन कर लेता हूं। अब देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो जो है ओपन हो रहा है। यहां से आपको नेट से कनेक्टेड रहना होगा तभी आप इसका यूज कर पाएंगे। तो यहां से आप नेट से कनेक्टेड हो जाएं, ये जरूरी है आपके लिए। अगर आप नेट से कनेक्टेड नहीं होते हैं तो आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये जरूरी है कि आप ये नेट से कनेक्टेड रहें। तो एक बार कनेक्ट होने के बाद यहां पर कनेक्ट पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एसक्यूएल सर्वर ओपन हो जाएगा। अब यहां पर हमको डेटाबेस पे जाना है और इस डेटाबेस को एक नाम दे देता हूं, डिव। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं डीआईबी डिव, यानी डिवाइड कराएंगे हम दो नंबर्स को और यहां पर ओके पे कर देना है क्लिक। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो यहां पर डिव आ जाएगा। अब इस डिव पर दो बार क्लिक करेंगे तो यहां टेबल्स आ जाएगा और ये टेबल पे जाकर के हम टेबल बना लेते हैं। तो यहां पर चलेंगे और यहां पर कॉलम नेम आ रहा है तो यहां पर कॉलम नेम दे देता हूं आईडी और इसे एनकैट डेटा टाइप रखता हूं और यहां पे लिखता हूं नंबर वन। नंबर वन यानी पहला नंबर जिसमें डिवाइड करना है और यहां लिखता हूं नंबर टू जिससे डिवाइड करना है। तो ये लिख दिया हमने दोनों नंबर। और ध्यान रखिए कि यहां पर जो एनकैर डेटा टाइप लिया है इसे हमें हटाना होगा। यहां पर एनकैर डेटा टाइप हम नहीं लेंगे, इस बार हम लेते हैं फ्लोट डेटा टाइप। तो ये फ्लोट यहां पर ले लिया हमने तो यहां से इसको चेंज करेंगे एफ एल ओ ए टी फ्लोट। तो ये फ्लोट ले लिया हमने और फिर यहां पर आएंगे तो यहां पर भी हमें एफ एल ओ ए टी फ्लोट डेटा टाइप ही रखना है। तो ये दोनों हमने रख लिया, यहां से इन दोनों पर अनटिक कर देंगे और अनटिक करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे। यहां पर जाएंगे और यहां पे यस करके और इसको सेव करेंगे। तो यहां पर डेव के ही नाम से इसको सेव भी कर लेता हूं। तो ये सेव कर लिया हमने। अब इस टेबल पे जब क्लिक करेंगे तो नीचे आपको कुछ इस तरह से आपका डेटाबेस दिखेगा। अगर ये डेटाबेस नहीं दिखता तो इस टेबल पर जाकर के आपको यहां से रिफ्रेश पर क्लिक करना है। जैसे रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो ये डेटाबेस दिख जाएगा। अब ये यहां पर इस पर राइट क्लिक करके और फिर इसे एडिट टॉप 200 रोज पे चले जाइए और अब हमें इसको एडिट करना है। तो यहां पे आईडी 1 दे देता हूं और यहां नंबर दे दिया 5। ठीक है, और यहां दे दिया 2, सेकंड नंबर 2 दे दिया और फिर यहां आईडी 2 दे दिया और यहां पे दे देता हूं 67 और यहां इसे 2 से डिवाइड कराएंगे। फिर यहां आईडी 3 दे देता हूं और यहां 56 और इसे 2 से डिवाइड कराएंगे। फिर यहां आईडी 4 दे देता हूं और यहां 77 और इसे 11 से डिवाइड कराएंगे। तो इस तरीके से हमने ये कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड फिल कर दिया है। अब इसको क्लोज कर देता हूं। जब आप इसको देखेंगे, ये जो डेटाबेस है आपका, इसको देखेंगे तो आपको ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। एडिट करके आपको देखना होगा। अब इसको क्लोज करता हूं। अब इसमें हम क्वेरी बनाने वाले हैं तो न्यू क्वेरी पर चलते हैं। ध्यान रखिए कि आपके डेटाबेस का नाम है डिव, तो यहां पे लिखना है हमें सेलेक्ट। ठीक है, यहां पे लगाना है इनटू असाइन और फ्रॉम, टेबल का नाम है डिव। तो ये डिव दे दिया हमने और डिव देने के बाद यहां पर डबल क्लिक कर देता हूं और यहां से इसे टर्मिनेट कर देता हूं। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इसको जब एक्सिक्यूट कराएंगे तो वही चीजें हमें दिख जाएंगी जो चीजें हमने स्टोर करा रखी थी वहां पे। अब फिर नीचे आते हैं, अब हमको यहां पे कैलकुलेट करना है। तो फिर यहां लिखता हूं सेलेक्ट और यहां पे अब कुछ नहीं लिखना, अब आपको केवल सेलेक्ट करते चलना है। लाइक हमें क्या करना है, नंबर। अब सेलेक्ट क्या 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 चाहिए हमें, तो हमें आईडी चाहिए। तो ये आईडी डाल दिया हमने, कॉमा दिया। अब कॉमा देने के बाद यहां पर ब्रैकेट को ओपन करना है इस तरीके से। ठीक है, और यहां पे देना है नंबर वन, तो ये दे देता हूं नंबर वन। ध्यान रखिए कि दोनों का डेटा टाइप फ्लोट है। अपॉन का साइन दीजिए और यहां पे लिखिए नंबर टू, इस तरीके से नंबर टू दे दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, और यहां पर देना है हमें एज टोटल, तो इसका नाम हम रखेंगे टोटल। ठीक है, जो नेक्स्ट हम बनाएंगे उसका नाम हम टोटल रखेंगे। और टोटल देने के बाद यहां पे देंगे फ्रॉम और ये आएगा कहां से, तो डिव नाम की जो टेबल है वहीं से ये आएगा सारा कुछ। तो यहां लिख देता हूं डिव और ये डिव देने के बाद यहां पे टर्मिनेट कर देना है आपको और अब इसको ले लेना है सिलेक्शन में इस तरीके से। अब ये जैसे ही आप सिलेक्शन में लेंगे तो यहां से एक्सिक्यूट का बटन है, आप एक्सिक्यूट करा दीजिए। तो यहां पे देख सकते हैं कि जो टोटल है वो आपके सामने होके आ रहा है। ठीक है, देखिए यहां नीचे आप देख सकते हैं कि ये टोटल जो है आईडी के साथ ये टोटल आ रहा है और ये टोटल जो है आपके सामने है। अब हम करना क्या चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि इसमें हम वो दो नंबर्स भी दिखाई पड़े, ऐसा कुछ चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। आपको यहाँ पे क्या देना होगा, देखिए ये हमारी टेबल थी जो वास्तविक टेबल हमने बनाई थी, उसके बाद फिर हमने क्वेरी लगाया था। तो अभी जो टेबल बनाई थी उसमें क्या क्या चीजें थी, नंबर वन नंबर टू था। तो यहां पर हम क्या करते हैं, कॉमा देकर के यहाँ पे लिख देते हैं नंबर वन
कॉमा देंगे और फिर लिखेंगे नंबर वन, एन यू एम बी ई आर नंबर वन, ठीक है, ये इस तरीके से नंबर वन कॉमा, और फिर यहां दे देंगे नंबर टू। तो ये हमने दे दिया दोनों, और यहां पे कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद अब क्या करना है, अब इसको एक्सिक्यूट करना है। तो अब यहां से एक्सिक्यूट कराऊंगा तो ये देख सकते हैं नीचे नंबर वन और टू के साथ इसका डिवीजन भी कैलकुलेट होकर आ रहा है। आप चाहते हैं कि इस वाले कॉलम को जो हमने टोटल नाम दिया है उसे हम कुछ और नाम दे दें, तो यहां पे रिजल्ट दे देता हूं, R E S U L T रिजल्ट दे दिया, और बस अब इसको एक्सिक्यूट करवा दीजिए तो यहां पे रिजल्ट लिखा हुआ आएगा, जो देंगे वो आ जाएगा इजीली। तो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।